हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेफ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गोंद के लड्डू। जी हाँ फ्रेंड्स, गोंद के लड्डू बहुत ही इजी आपके लिए बनकर तैयार हुए हैं। किस तरह हमने इसे आपके लिए बनाया है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा हीरो है गोंद। तो गोंद हमने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम, और हमने लिए हैं मखाने 100 ग्राम, पिस्ता हमने लिया है 50 ग्राम, बादामें हमने लिए हैं 100 ग्राम, काजू हमने लिए 100 ग्राम, और 2 टेबल स्पून लिए हमने खसखस, चिया फ्रेंड्स जिसे हम पॉपी सीड भी बोलते हैं, और गुड़ हमने लिया है 500 ग्राम, और ये नारियल का भूरा है जिसे हमने 200 ग्राम लिया है, और 2 टेबल स्पून हमने सौंठ लिए, और 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है, और यहाँ पे हमने घी लिया है जो कि हमारा 300 ग्राम के करीब लगभग देसी घी है, जिसे हम खर्च जितना होता है फिर बताएंगे अगर बचता है तो। वो एक कढ़ाई में हम 2 टीस्पून और घी डाल देंगे, और हम अपनी जो गोंद है उसे थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे, और हम घी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, और इसे सिम गैस पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। बस इसी तरह हम सारा गोंद फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो हम इसे एक मेशर की मदद से क्रश कर लेंगे, और अगर आपके पास मेशर नहीं है तो आप कटोरी से भी कर सकते हैं। हमें ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है और हल्का सा ही क्रश करना है, ताकि दांतों में चिपकता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और उसी बचे हुए घी में हम कढ़ाई में हम भूरा डाल देंगे, और भूरे को भी हम सिम गैस पे फ्राई करेंगे, और सिम गैस पे ही से फ्राई करना है, नहीं तो ये झटपट से जल जाता है। और बस ये हमारा भूरा भी तैयार हो चुका है भून के, तो हम जिसमें हमने अपने गोंद रखा था उसी तसली में हम अपना नारियल का भूरा भी डाल देंगे, और फिर से हम कढ़ाई में 2 टीस्पून के करीब घी ले लेंगे, और अब हम अपने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। और इनको भी हमें सिम बहुत ही सिम गैस पे भूनना है ताकि क्रंची हो जाए, और साथ साथ पिस्ते भी डाल देंगे ताकि ये जले नहीं, और हमें सिर्फ इसमें क्रंची नेसी चाहिए, ताकि हमारे ये फ्राई करने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है लड्डुओं की, और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो बस ये देखिए, हमने इसको फ्राई कर लिया है और घी भी बच चुका है इतना, तो बस इसे हम ठंडा करने रख देंगे। जैसे ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें भी क्रश कर लेंगे, और इन्हें भी हमें सिर्फ मिक्सर के डाल में चाल के हल्का आधा आधा सेकेंड के लिए चलाना है। हमें बिल्कुल से बारीक पाउडर नहीं तैयार करना, हमें थोड़े नटी सा ही फ्लेवर चाहिए, तो हम इस तरह दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं, पर मैंने इसे थोड़ा पीस लिया है ताकि हर उम्र के लोग इजीली इसे खा सकें। अब हम एक सूखे फ्राई पैन में इसे सिर्फ ड्राई ही रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए, और इसे भी सिम गैस पे ही भुनना है, और इसमें कोई ऑयल वगैरह तो हमें डालना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ खसखसों में भी बहुत धूल मिट्टी होती है, तो इन्हें हम पहले धो के सुखा लेंगे ताकि बस ये हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। फिर अब हम एक कढ़ाई में फिर से घी लेंगे, और अब हम डाल देंगे इसमें मखाने। मखाने डाल के बीच हम सिम गैस पे फ्राई कर लेंगे, जो कि हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो बस मखाने भी हमारे हो चुके हैं, तो हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और मखानों को भी हम जार में डाल के पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, दरदरा सा ही पीसना है। और हम इसमें अपनी सौंठ पाउडर और इलायची पाउडर भी डाल देंगे। ये सौंठ पाउडर बाज़ार का रेडीमेड नहीं है, मैंने इसे घर में ही तैयार किया है पीस के, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और बस अब इन सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम कढ़ाई में वापस से 1 से 2 टीस्पून घी डालेंगे। और देखिए, सारे काम के बाद हमारा इतना घी बच चुका है, और अब हम यहाँ पे जो गुड़ लिया था उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में डाल देंगे।
और साथ में हम लगभग 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे कि हमारा गुड़ इजीली पिघल जाए। बस चम्मच चला लेंगे हम इसमें, ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो देखिए इसमें बॉईल भी आने लगे, बस इसमें अच्छे से बॉइलिंग आने लगेगी तो हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। बहुत ही अच्छा फ्लफी सा गुड़ हो जाता है बॉईल आने के बाद, देखिए कितने अच्छे से आपको दिख रहा है। तो बस इसकी कोई हमें चाशनी तैयार नहीं करना, इसे खाली हमें थोड़ा सा पकाना है और गैस बंद कर देनी है। और हम इसमें अपने मिक्सर में एक होल बना लेते हैं ताकि हम इसमें गुड़ अपना छान लेंगे। तो एक छन्नी लगा लेंगे हम और हमारी सारा पिघला हुआ गुड़ हम छान लेंगे ताकि जो कुछ भी कचरा है वो छन्नी में रह जाएगा। बस इसी तरह से हम अपनी सारी चाशनी गुड़ की जो है वो छान लेते हैं। और अभी हमारा ये गुड़ बहुत गर्म है तो इसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसे हम चम्मच से ही सब सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये हमारा सारा जो मिक्सचर है सब मिक्स हो जाएगा। तो जब ये ठंडा होने के लायक होगा तो हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। वो साथ साथ हम जो हमने अपने खशखश भुने थे वो भी हम ऊपर से डाल देंगे। तो अब हम इसे टच कर सकते हैं, तो हम इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। बस जैसे ही हमारा गुड़ सब मिक्स हो जाएगा और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे स्पीड में बनाना शुरू कर देंगे। जितना बड़ा हमें चाहिए बनाने के लिए उतना ही बड़ा हम इसमें ले लेंगे। और इसे हम अपने हाथों से जल्दी जल्दी गुड़ लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से हमारा लड्डू बन गया। बस इसी तरह हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और देखिए हमने थोड़े से खशखश प्लेट में बचाए थे, आप चाहें तो इसको खशखश में ऊपर से भी लपेट सकते हैं। वैसे तो हमने अंदर डाले ही हैं और इसे आप ऊपर से भी लपेट सकते हैं। और आपको खशखश के फ़ायदे पता ही होंगे, खशखश दिमाग के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, दिमाग तेज़ करती है और जिसको नींद नहीं आने की शिकायत होती है वो भी दूर करती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने ऊपर से भी लपेटा होके दिखाया आपको, बिना लपेटा भी दिखाया, दोनों तरीके से बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो देखिए हमारे झटपट से लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं और इतने मिक्सर में हमारे इतने सारे लड्डू बने हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप भी इस सर्दियों में इन गोंद के लड्डुओं का फ़ायदा उठाइए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इन्जॉय कीजिए, इसे बना के एक बार ज़रूर खाइए। इसे मेरे तरीके से इजी तरीके से बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो आप इसे अपने किचन में बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी बताई इजी तरीके से रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और फ्रेंड्स आप अपने द शेफ़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह की रेसिपी देखने को मिलती रहे और आपको आपके चैनल पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय।